नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वंडर विद ब्रजेश भटनागर। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने सभी मित्रों के साथ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके लाइक और शेयर अगर आते रहेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इंडिया गेट से शाम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट इस टाइम आए हुए हैं मोदी मैजिक देखने, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे। इंडिया गेट पहले से बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बढ़िया हो चुका है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया। ये इंडिया गेट का नज़ारा है। काफ़ी भीड़ भाड़ है और सुरक्षा के अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। देखिए, सामने की तरफ सारा राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से जो इधर को रोड आ रही है और ये जारी है इंडिया गेट की तरफ। ये इंडिया गेट का नज़ारा और बहुत ही सुंदर इन्होंने बना दिया। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, वो भी मैं आपको सब वीडियो में दिखाऊंगा। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौसम हुआ है। टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सामने इंडिया गेट का नज़ारा, और एक ये आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। ये नया नाम दिया है मोदी जी ने और बहुत बढ़िया दिया है, और जिस हिसाब से नाम दिया है उस हिसाब से बहुत अच्छा इसको सजा दिया है। तो ये कर्तव्य पथ है आपका सारा, और यही जाता है पूरा इंडिया गेट की तरफ। अब इंडिया गेट के लिए आपको सड़क पार करने के लिए रोड से नहीं जाना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक भी रुकता है और काफ़ी देरी भी होती है। एक अंडरपास बन गया है, वह भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री सी, ये अंडरपास है। इस अंडरपास से इंडिया गेट के लिए अब निकलना होगा, और बहुत ही सुरक्षित है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे, अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। और देखिए कितना सुंदर बना दिया है इंडिया गेट को। आज बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होने हैं इंडिया गेट पे, तो काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी है, और मेरे जैसे कई बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं चैनल को ग्रो करने के लिए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। अब इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए आपको अंडरपास से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये अंडरपास। ये पैदल यात्री अंडरपास का ड्राइंग है, आप इन्हीं का प्रयोग करें। सेंट्रल विस्टा की नहरें, उसकी डिटेल सारी। और नहरें भी काफ़ी खूबसूरत बना दी गई है, सब मोदी मैजिक है, मोदी जी का चमत्कार है। मतलब इतना सुंदर पहले कभी नहीं दिखता था इंडिया गेट, जो आज दिख रहा है।
देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फव्वारा चल रहे हैं। और इसी में पहले बोटिंग होती थी, अब शायद मोदी जी इसमें भी बच्चों के लिए बोट डलवा दें। और आप पूरा नज़ारा देखिए, पूरा एक से एक सुंदर। गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं है, बहुत ही सुंदर बना दिया है। सफाई की अच्छी व्यवस्था है। गाड़ियों की, बाइक की पार्किंग है सामने, ये पार्किंग है सारी। और वहाँ तक आप जहाँ तक देखेंगे मेरी उंगली जा रही है, वहाँ तक पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी 3 दिन के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी का पता नहीं। बाकी बहुत सुंदर नज़ारा इंडिया गेट से। और अब चलते हैं इंडिया गेट की ओर, फिर रात का जो रंगीन कार्यक्रम होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब हम अंडरपास से बाहर की तरफ को आगे हैं और ये अंडरपास का नज़ारा है। इंडिया गेट जाने के लिए आपको इसी अंडरपास का सहारा लेना पड़ेगा, इसी से पार कीजिएगा। और ये इंडिया गेट का खूबसूरत नज़ारा आपको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना सुंदर बना दिया है इंडिया गेट को। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बहुत बढ़िया। इंडिया गेट से लाइव वीडियो आप लोगों के लिए। माता किसी को चमका दिया। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत भीड़। कोविड के बाद अब दर्शक निकल के आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सब तैयारी, आप सबको इंतज़ार था सेंटा विस्टा, उसके बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जिसपे मोदी जी ने अभी फूल माला अर्पित करी थी, आपने देखा होगा चैनल्स पे। और मैं आपको बिल्कुल बहुत ही क्लोज से ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ इंडिया गेट का। और मैं इंडिया गेट के ही प्रांगण में इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, तो ये पूरा नज़ारा इंडिया गेट का। अगर आप दिल्ली रहते हैं या दिल्ली घूमने आएंगे तो इंडिया गेट ज़रूर आइएगा एक बार। पूरा नज़ारा इंडिया गेट का। ये पूरा नज़ारा कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेशन करा हुआ है, सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम है और बिल्कुल ग्रीन कर रखा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो रखी है। ये सब डेकोरेशन किया हुआ है इसके चारों तरफ, आप देखिए डेकोरेशन। और बिल्कुल सामने इंडिया गेट के ये पूरी झांकी, पूरी झांकी दर्शा रखी है।
ये ऊपर द्वारकाधीश जी की झांकी। एक से एक सुंदर झांकियों से सजाया हुआ है पूरे इंडिया गेट को और बहुत ही खुशनुमा माहौल। अभी ठीक हम अमर जवान ज्योति के बिल्कुल सामने इंडिया गेट पे और ये एक भव्य नज़ारा इंडिया गेट का। और निहायत ही खूबसूरत और ये बिल्कुल सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जिनका मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है। और जो आप ये भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये सब इंडिया गेट की। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में कभी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है दिल्ली का, कभी एकदम उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उमस से राहत पाने के लिए हम चलते हैं फव्वारे की तरफ और ये फव्वारा है जो इंडिया गेट के पास ही है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे अभी आए हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर इन्होंने बना दिया है। आपको हर एंगल से दिखाने की पूरी कोशिश इंडिया गेट का नज़ारा। पब्लिक की डिमांड पर मैं आज इंडिया गेट से आपको सब नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये एक फव्वारा जिससे जो पानी गिर रहा है उसकी जो ठंडी हवा आ रही है उससे गर्मी का एहसास का पता नहीं लग रहा। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ पहुँचे हैं, जैसे जैसे रात होती जाएगी टूरिस्ट बढ़ते जाएंगे। पानी गिरता हुआ बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ऊपर से ये सूरज की चमक इस पानी को और सोने का जैसा बना देती है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इंडिया गेट से, पानी का फव्वारा। और आज मानो काफ़ी दिनों बाद इसमें फुल प्रेशर से चला दिया है, काफ़ी अच्छी सारी साफ़ सफाई है। ये इंडिया गेट, राजपथ, सीधा पार्किंग है, दो पार्किंग है इधर। आप लोगों को मैं हर एंगल से वीडियो दिखा रहा हूँ, जितने इन्होंने मोदी जी ने खूबसूरती से इंडिया गेट को अब बनवा दिया है उतनी ही खूबसूरती से मैं वीडियो बना रहा हूँ और समक्ष आपके पेश कर रहा हूँ। इंडिया गेट का खूबसूरत नज़ारा फिर से एक बार। सेंट्रल विस्टा
चेंज तो नहीं कराए थे तो पब्लिक अभी इस टाइम 10,000 से ऊपर और भीड़ बनने की संभावना। इंडिया गेट की लाइटें जल चुकी है और धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा सारी लाइटें और शाम का नज़ारा बड़ा ही शानदार लग रहा है सारी लाइटें जलने के कारण। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और उतनी ही तेज़ी से इंडिया गेट की लाइटें बढ़ रही हैं। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कितना जगमगा जाएगा पूरा इंडिया गेट। शाम का नज़ारा इंडिया गेट का। और बहुत ही खूबसूरत सामने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा। शाम का नज़ारा है, करीब 1,00,000 से ऊपर टूरिस्ट है इस टाइम। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है उसको देखने के लिए आए हैं और काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं नए इंडिया गेट को। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये वाक्य में सच ही कहा है। और बहुत पास से इंडिया गेट को दिखाते हुए और बहनों आज मैं आया हूँ इंडिया गेट पे और सेंटर विस्टा का जो मोदी जी ने उद्घाटन किया है वो पीछे है और मेरी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है, वो मैं कल पोस्ट करूँगा तो आप सब देखिएगा ज़रूर, जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और दिवाली तक मैं दिल्ली में ही रहूँगा और काफ़ी सारी मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस बना के आपको देता रहूँगा। तो अभी तो मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, कल आपको दिखाता हूँ सारी की सारी।